Good morning, friends. Today I am here to explain a very small and simple topic. लेकिन चूंकि इसमें कई प्रकार के कन्फ्यूज़न होते हैं और आपको जानकारी को थोड़ा मुझे इस स्तर पे आकर के और बढ़ाना है, इसलिए मैं इस टॉपिक को ले रहा हूँ. टॉपिक है व्हाट इज सेल. अब ये टॉपिक कहने के लिए तो बहुत सिंपल है, आप क्लास फोर्थ फिफ्थ से पढ़ रहे होंगे सेल क्या चीज़ है. लेकिन वास्तव में सेल कहते किसे हैं, इसको आपको समझना अति आवश्यक है. यदि मैं आपसे पूछूं कि सेल के डेफिनेशन क्या है, आप तुरंत कहेंगे सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. लेकिन क्या ये डेफिनेशन सही है? क्या ये सेल की डेफिनेशन पूरी है? जैसे थोड़ा सा मैं इसको आप और एक्सप्लेन आपको मैं एक्सप्लेन करूं, तो सेल इज द स्ट्रक्चरल. स्ट्रक्चर होता है सेल में, इसलिए आप इस डेफिनेशन में स्ट्रक्चरल टर्म आया. सेल का एक विशेष मॉर्फोलॉजी होता है. सेल हैज़ ए फंक्शन. सेल का एक फंक्शन भी होता है, कई सारे फंक्शन सेल परफॉर्म करता है. तो सेल में एक स्ट्रक्चर है और एक फंक्शन है. उस बेसिस पे हमने डिफाइन कर दिया सेल को कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. लेकिन थोड़ा सा मैं आपको और डिटेल में ले जाऊं. सपोज दिस इज ए पेन. ये एक पेन है, इसका एक स्ट्रक्चर है, निश्चित रूप से इसका फंक्शन भी है कि लिखने के काम आता है. तो क्या हम इसको एक सेल कहेंगे? क्योंकि हमने डिफाइन ही किया है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट. तो इसका भी एक स्ट्रक्चर है, इसका भी एक फंक्शन है. या हम एक दूसरा एग्जांपल लें, ये तो आप सबको पता है कि दिस इज ए हट हाउस, यू कैन से. नाउ दिस हैज ए स्ट्रक्चर. इसका एक स्ट्रक्चर है घर का, और निश्चित रूप से घर का एक फंक्शन भी होता है. इसमें लोग रहते हैं, प्रोटेक्शन देता है जाड़ा गर्मी बरसात से. तो क्या हम इसको सेल कह सकते हैं? आप निश्चित रूप से कहेंगे नहीं. थोड़ा हम और कॉम्प्लिकेटेड केस लेते हैं. इसके बारे में भी आप सभी लोग जानते होंगे, वायरस. इस वायरस का एक स्ट्रक्चर है और इसका फंक्शन भी है. जैसा आप सबको पता है कि जनरली दे आर डिजीज काजिंग. तो क्या हम इसको सेल कह सकते हैं? इसको भी आप कहेंगे नहीं. फिर यह डेफिनेशन कैसे सही हो सकती है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? तो आज हम इस डेफिनेशन को कैसे ये करेक्ट होगा उसके बारे में समझेंगे. लेकिन सेल पे जाने के पहले थोड़ा सा मैं आपको इसको ब्रीफली इंट्रोड्यूस कर दूं कि सेल वास्तव में कितना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है. भले ही आप इसको सिंपल समझते हो या कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स चीज के बारे में ना जानते हो, तो हम सबको पता है कि आज से लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स पहले अर्थ बना, हमारा अर्थ बना. उसके बाद कंटिन्यूसली कई करोड़ साल तक इस पे पानी बरसता रहा और ज्वालामुखी के लावा उठते रहे. फिर सबसे पहले 3.8 बिलियन ईयर्स एगो इस अर्थ पे कोई लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसी चीज़ आई. हो सकता है ये प्री प्रोक्रियाटिक कोई ऑर्गेनिज्म हो, या कुछ समय बाद फिर प्रोक्रियाटिक ऑर्गेनिज्म भी इवॉल्व हो गए. फिर आज का जो सेल आप देखते हैं वो लगभग यूकैरियोटिक सेल 2.7 बिलियन ईयर्स एगो, आज से लगभग 270 करोड़ साल पहले, 1 बिलियन बराबर 100 करोड़ ईयर्स होते हैं, इतने साल पहले इवॉल्व हुआ आज का यूकैरियोटिक सेल. अब आप देख रहे हैं कि अर्थ जो कि 4.6 बिलियन ईयर्स पहले इवॉल्व हुआ, उसके लगभग 1 बिलियन ईयर के बाद पहला कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे आया. फिर उसके बाद लगभग
एक बिलियन ईयर के बाद यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ, मतलब एक बिलियन यहाँ से पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म आने में लगा, फिर उस पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक यूकैरियोटिक सेल को इवॉल्व होने में 1 बिलियन ईयर्स लग गए। आप देखिए कि हर एक स्टेप पे आगे बढ़ने के लिए लगभग 1 बिलियन ईयर या 100 करोड़ वर्ष लग जा रहे हैं। तो अब आपको थोड़ी सी लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आएगी कि कितना कॉम्प्लेक्स लाइफ होगा कि इसको बनाने में इतना समय लग रहा है। और आज की डेट में हमारे पास 100 मिलियन से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स के स्पीसीज हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, लेकिन लगभग 100 मिलियन डिफरेंट टाइप्स के स्पीसीज हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हमारे एक्टिविटीज़ से ये डिफरेंट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं, बहुत सारे जानवर एक्सटिंक्ट होते चले जा रहे हैं, और आज की स्थिति यह है कि शेर जैसा मजबूत जानवर भी एक्सटिंक्शन के कगार पे खड़ा है। ये सब के सब डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, सबकी मॉर्फोलॉजी अलग है, सबका फंक्शन अलग है, सबका बिहेवियर अलग है। कोई प्लांट है तो कोई एनिमल है, कोई यूनिसेलुलर है तो कोई मल्टीसेलुलर है, कोई ज़मीन पे रहता है तो कोई पेड़ पे रहता है, कोई हवा में उड़ता है तो कोई एक्वाटिक एनवायरनमेंट में रहता है। सभी डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स हैं, सबका बिहेवियर अलग अलग है, लेकिन इन सब में दो चीज़ें कॉमन हैं। एक तो ऑल दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स, दूसरा ऑल दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैज द प्रॉपर्टी ऑफ रिप्रोडक्शन, सब के सब रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस मीन्स अपने ही जैसा दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना, एग्जैक्टली सिमिलर ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करना। ऐसा नहीं कि हाथी जो है किसी बंदर को जन्म दे सकता है या बंदर किसी चींटी को जन्म दे सकती है, आम के पेड़ पे इमली होने लगे, ऐसा नहीं संभव। आम के पेड़ से आम ही निकलेगा, इमली के पेड़ से इमली ही पैदा होगा। तो इसलिए इसको टर्म प्रोड्यूस की जगह रिप्रोड्यूस कहा गया है। तो ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स हैव ए प्रॉपर्टी टू रिप्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ द सेम स्पीसीज। नाउ वी कम टू द सेल। अब आपको थोड़ी सी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में अंदाज़ा लग गया होगा, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि सेल की एग्जैक्ट डेफिनेशन या कंप्लीट डेफिनेशन किसको कहेंगे। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसके बारे में तो ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं कि सेल का एक स्ट्रक्चर होता है और एक फंक्शन होता है, और ये बायोलॉजिकल यूनिट की तरह से काम करती है। जो नए टर्म्स अब इस डेफिनेशन में आए, दैट इज़ कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिज्म। इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिज्म मीन्स ये खुद ही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को बना सकता है, उसको तोड़ सकता है, उससे एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, ताकि अपने आप को एक्टिव रख सके, ग्रोथ हो सके, डेवलपमेंट हो सके। उसकी वजह ये इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिज्म की वजह से पॉसिबल हो पाया। चौथी चीज़ जो आई इसमें, रिप्रोडक्शन। ये सेल हैज द कैपेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग सिमिलर ऑर्गेनिजम्स, प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग्स। जबकि दूसरे किसी भी चीज़ में, जैसे ये पेन, दूसरा पेन खुद से नहीं प्रोड्यूस कर सकता, एक घर दूसरा घर अपने आप नहीं बना सकता, उसको बनाने के लिए किसी आदमी को आना पड़ेगा। लेकिन सेल में क्या प्रॉपर्टी होती है, इट कैन रिप्रोड्यूस बाय इट्सेल्फ। और ये तब संभव है व्हेन ए सुटेबल नॉन लिविंग एनवायरनमेंट इज गिवन टू द सेल, जब सेल को एक सुटेबल नॉन लिविंग मीडियम दिया जाए। अब वायरस जो मैंने पहले एग्जांपल में आपको लिया था कि उसका एक स्ट्रक्चर होता है, एक फंक्शन होता है, आप कहेंगे वो भी तो रिप्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन उसको रिप्रोड्यूस करने के लिए उसको लिविंग मीडियम की ज़रूरत होती है। जब तक वो सेल के अंदर एंट्री नहीं पाएगा, तब तक वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। मींस उसको ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट की ज़रूरत है, जबकि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल कैन रिप्रोड्यूस
can exist independently in a non-living medium. So this is the definition of cell. कि सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन इन ए सुटेबल नॉन लिविंग मीडियम. इसको याद रखिए, वायरस भी ये सारी प्रॉपर्टीज रखता है लेकिन वो केवल लिविंग मीडियम में, वो ऑर्गेनिक मीडियम में ही वो प्रॉपर्टी शो करेगा, जबकि सेल कैन एग्जिस्ट इन नॉन लिविंग एनवायरमेंट. इसके साथ कुछ और भी चीज़ें जुटी हुई हैं, जैसे इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. जैसे बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, प्रोकैरियोट्स हैं और एमीबा है, पैरामीशियम है. फिर यदि वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होगा. जैसे घर का बेसिक बिल्डिंग क्या ब्लॉक क्या होता है, ईंट होती है एक. उसी ईंट से कई प्रकार के शेप साइज़ के घर बनेंगे लेकिन उनका बेसिक यूनिट क्या होगा, ईंट होगी. उसी तरीके से वो चाहे एलिफेंट हो या ह्यूमन बीइंग हो या कॉकरोच हो, सबका सब सेल से बने होंगे और उनका मेन बिल्डिंग ब्लॉक क्या होगा, वो होगा सेल. सेल की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जो कि हर सेल में पड़ी रहती हैं. एक तो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, दूसरा हेरिडिटरी मशीनरी होगी, मेटाबॉलिक मशीनरी होगी और मोटिलिटी मशीनरी होगी. मींस कि ये वो प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, सब में ये चारों प्रॉपर्टीज़ होंगी. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है कि ये सेल को चारों तरफ से ऐसे घेरे रखता है, एक बाउंड्री वॉल प्रोड्यूस करता है सेल के चारों तरफ, जो कि बाहर के एनवायरनमेंट को और सेल के अंदर के एनवायरनमेंट को सेपरेट आउट करता है. अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि आपको पता है कि मेनली लिपिड से बना होता है, इसका काम क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों को तो अंदर आने देता है लेकिन बहुत सारी चीज़ों को अंदर आने से रोकता भी है. इसी तरीके से कई सारी चीज़ों को ये बाहर जाने देता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को, लेकिन कई सारी चीज़ों को ये बाहर जाने से रोकता भी है. तो इस तरह से सेल में एक स्पेसिफिक एनवायरमेंट, एक इसका जो एनवायरनमेंट होता है वो दूसरे बाहर के एनवायरनमेंट से, बाहर के मीडियम से वो डिफरेंट हो जाता है. साथ में इसमें एक हेरिडिटरी मशीनरी भी प्रेजेंट होगी. ये हेरिडिटरी मशीनरी इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डीएनए या क्रोमोसोम, यू कैन से. अब ये क्रोमोसोम यदि यूकैरियोटिक सेल है तो उसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के चारों तरफ होगा, प्रोकैरियोटिक सेल है तो साइटोप्लाज्म में एज सच प्रेजेंट रहेगा, लेकिन ये हर सेल में प्रेजेंट रहेगा इन द फॉर्म ऑफ डीएनए. इसका काम क्या होता है कि ये पूरे सेल के मॉर्फोलॉजी को, फिजियोलॉजी को रेगुलेट करता है और साथ में रिप्रोडक्शन को भी रेगुलेट करता है. तो एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया किसी भी सेल की प्रॉपर्टी में, और दूसरा हेरिडिटरी मशीनरी हो गई इन द फॉर्म ऑफ डीएनए. मेटाबॉलिक मशीनरी, ये मशीनरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म इनसाइड द सेल. इसमें ढेर सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे सेल के अंदर जो कि डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को तेज करते हैं. इसकी वजह से किसी चीज़ की सिंथेसिस हो सकती है, एनाबॉलिज्म जिसको बोलते हैं, किसी चीज़ का ब्रेकडाउन हो सकता है जिसको हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं, और साथ में एनर्जी प्रोडक्शन होता है जो कि लाइफ को मेंटेन करने के लिए, सस्टेन करने के लिए, उसके ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए हर जगह एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. वो सब कुछ कौन रेगुलेट करता है, मेटाबॉलिक मशीनरी. नाउ एक मोटिलिटी मशीनरी भी सेल के अंदर होती है. मोटिलिटी मशीनरी का काम क्या होता है कि इट हेल्प्स इन मूविंग द डिफरेंट सब्सटेंसेस. जैसे सेल के अंदर साइक्लोसिस या डिफरेंट टाइप्स के जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं वो एक जगह से दूसरे जगह कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, तो ये मूवमेंट जो होती है वो मोटिलिटी मशीनरी का काम है. साथ में सेल एज ए होल भी मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह, लोकोमोटरी ऑर्गन्स. जैसे हमारे में लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्लियरली आपको देख सकते हैं कि सेल एक जगह से दूसरी जगह, जैसे हमारे ब्लड सेल्स ही हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, तो एक मोटिलिटी मशीनरी भी प्रेजेंट होती है. तो इस तरीके से किसी भी सेल में ये चार बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं, एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
दूसरा हेडेटरी मशीनरी का प्रेजेंट होना, तीसरा मेटाबॉलिक मशीनरी का प्रेजेंट होता है, चौथा मोटिलिटी मशीनरी का। इसी का डिटेल मैंने इस स्लाइड में दे रखा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसको कहते हैं और इसका क्या मेन फंक्शन होता है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेल को अलग करता है और साथ में इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड एंड दस सेल्स मेंटेन ए स्पेसिफिक एनवायरनमेंट इनसाइड द सेल। इसकी वजह से सेल में एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट मेंटेन किया जाता है, मींस कि सेल के अंदर का जो साइटोप्लाज्म है वो विशेष प्रकार का होता है, बाहर के एनवायरनमेंट से डिफरेंट होता है। हेरिडिटरी मशीनरी होती है, प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डीएनए और इसमें कंप्लीट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है टू गाइड द सिंथेसिस ऑफ सेल कंपोनेंट्स, परमिट्स द रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल्स, और ये न्यू सेल्स को प्रोड्यूस करने में इसी का मेन रोल होता है। मेटाबॉलिक मशीनरी प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स विच इज़ इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड प्रोवाइड्स पावर इन द फॉर्म ऑफ एटीपी फॉर एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेसेस, जो ढेर सारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है उसको ये मैनेज करता है। मोटिलिटी मशीनरी सेल के अंदर प्रेजेंट होती है विच हेल्प इन मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड एंड फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, और सेल एज ए होल की मोटिलिटी भी इसी की वजह से शो करती है। सो दिस इज़ द कम्प्लीट डेफिनेशन ऑफ सेल, मीन्स सेल इज़ द स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन इन ए सुटेबल नॉन लिविंग मीडियम। हमारी समझ से अब इसका कॉन्सेप्ट आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा, और जो अभी तक बेसिक डेफिनेशन आप पढ़ा करते थे सेल की कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, उसमें और इस डेफिनेशन सेल के इस डेफिनेशन में अंतर आपको समझ में आ गया होगा कि ये दो पॉइंट्स इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। एक तो इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिज्म सेल में होता है, दूसरा रिप्रोडक्शन की प्रॉपर्टी होती है, और सेल कैन सर्वाइव इन ए नॉन लिविंग मीडियम। ओके, थैंक यू।